Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 13, Inverse Trigonometric Functions. और topic जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं, इस lecture में जो हम topic पढ़ेंगे, वो है inverse cosine and inverse tangent functions. ठीक है, तो यानी कि हमने कोसाइन का भी अब इनवर्स इसमें देखना है और टेंजेंट का भी इनवर्स फंक्शन हमने देखना है. ठीक है, ग्राफिकली भी देखना है. तो पिछले लेक्चर में हम देख चुके हैं साइन का इनवर्स. ठीक है, उसका हमने ग्राफ भी ड्रॉ करके देखा. तो अब हम आते हैं कोसाइन के ऊपर पहले. ठीक है, कोसाइन का हम पहले ग्राफ ड्रॉ करते हैं. कोसाइन यहाँ से पहले मैं x एक्सिस और y एक्सिस हमने पहले ड्रॉ करना है. ठीक है, तो ये है y एक्सिस, बल्कि इसको स्ट्रेट कर लेते हैं थोड़ा. ये y एक्सिस और इसी तरह से ये x एक्सिस. x एक्सिस को मैं स्ट्रेट कर लेता हूँ ताकि हमारा ग्राफ जो है वो अच्छा बन जाए. ठीक है, तो ये x y एक्सिस हमारे पास आ चुके हैं. अब हम इस पे ड्रॉ करेंगे, पहले तो कॉस का फंक्शन ड्रॉ करेंगे. ठीक है, तो उससे पहले हम ड्रॉ करने से पहले हम कुछ चीजें हम देख लें कि y इज इक्वल टू कॉस x. ये हम पहले बहुत दफा पढ़ चुके हैं, ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है. ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि हमें कोई ना कोई यानी कि x की वैल्यू गिवन होती है, कोई एंगल होता है. ठीक है, x यहां पर क्या है, एंगल है. तो x की कोई ना कोई वैल्यूज गिवन होती है, यानी कि लेट्स सपोज 10 डिग्री, 20 डिग्री, 45 डिग्री या 90 डिग्री है. ठीक है, 180 डिग्री है, कोई भी यानी कि x की वैल्यू हो सकती है, एंगल की वैल्यू हो सकती है. तो उसका हमने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फाइंड करना होता है, कॉस फाइंड करना होता है. ठीक है, तो हम वो फाइंड कर लेते हैं और y की वैल्यू हमारे पास आ जाती है और हम उसको ड्रॉ कर लेते हैं. चले, हम इसको ड्रॉ करते हैं कि कॉस का जो फंक्शन है उसको ग्राफिकली ड्रॉ करते हैं. लेट्स सपोज ये है 1 और ये है -1, इसके अलावा ये है π/2, π/2 और इसी तरह से ये है -π/2 ठीक है, तो ये है पाई, बल्कि -π और ये है +π. ठीक है, तो इसको हमने अब इसका ग्राफ किस तरह से होता है, 0 पे कॉस जो होता है 1 होता है. ठीक है, तो ये बनेगा यहाँ पर पॉइंट, उसके अलावा π/2 पे 0 होता है और -π/2 पे भी 0 होता है, ये पॉइंट बन गया. उसके अलावा पाई पे जो है -1 होती है वैल्यू और -π पे भी 1 होती है वैल्यू. ठीक है, -1 यहाँ पर, इस तरह से ये इसका ग्राफ बनेगा. चलें इसका ग्राफ ड्रॉ करते हैं. तकरीबन इस तरह से इसकी कर्व बनती है. यह है कॉस का ग्राफ, y इज इक्वल टू कॉस x का ग्राफ. ठीक है, तो ये हम लेकिन हमने यहां पर इनवर्स इसका फाइंड करना है. तो इनवर्स के लिए आप देखें कि y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x, y इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ x हमने यानी कि फाइंड करना है. तो यहां से हम कह सकते हैं कि x इज इक्वल टू कॉस ऑफ y, ये हमें फाइंड करना है. लेकिन एक चीज ये है कि हमने सबसे पहले चेक करना है कि क्या ये 1-to-1 फंक्शन है या नहीं है. तो हम कोई भी लाइन ड्रॉ करके चेक कर लेते हैं. लेट्स सपोज स्ट्रेट लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, ये मैंने ड्रॉ की.
ये तो दो जगह पे इसको कट कर रहा है, तो ये तो वन टू वन फंक्शन नहीं है। अगर मैं यहां से चेक करूं, ये भी दो जगह से कट कर रहा है, यानी कि ये वन टू वन फंक्शन नहीं है। तो इसको पहले हमें जो है इसकी डोमेन जो है वो रिस्ट्रिक्ट करनी पड़ेगी। ठीक है, डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। ऐसी डोमेन रखनी है कि ऐसा फंक्शन ये बन जाए जहां पर ये स्ट्रेट लाइन दो दफा कट ना करे, वन टू वन फंक्शन यानी कि बन जाए। ठीक है, तो आप देखें 0 से लेकर पाए तक ये कोई भी वैल्यू रिपीट नहीं कर रहा। ठीक है, क्योंकि जब हॉरिजॉन्टल लाइन को तभी कट करता है ना कि जब दो दफा कट करता है या एक से ज्यादा दफा कट करता है, जब वो वैल्यूज रिपीट कर रहा होता है। मतलब कि यहां से लेकर आप देखें, यहां से लेकर यहां तक आप कोई भी हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें इस तरह से। ठीक है, जहां मर्जी आप हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लें इसमें, तो आपको वो कट नहीं करेगा दो दफा, यानी कि एक से ज्यादा दफा हॉरिजॉन्टल लाइन को वो कट नहीं करेगा। मतलब कि यहां पर ये इसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया जा सकता है। तो मैं इसको थोड़ा डार्क कर देता हूं। मतलब कि हमारे पास ये फंक्शन बन गया, वन टू वन फंक्शन। अब ये y इज इक्वल टू कॉस एक्स जो है वो वन टू वन बन चुका है। कहां पर? वन टू वन। अगर इसकी डोमेन हम रिस्ट्रिक्ट कर दें 0 से पाए तक, ये 0 से पाए तक। ठीक है, तो अभी वन टू वन तो बन चुका है। अब इसका हमने क्या फाइंड करना है? इनवर्स फाइंड करना है। इनवर्स के लिए आपको पता है कि जिस तरह हमने पिछले लेक्चर में भी फाइंड किया था कि हमने एक वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन ली थी। ठीक है, मैं यहां पर भी वाई इज इक्वल टू एक्स लाइन लेता हूं, ड्रॉ करता हूं। इस तरह से ये स्ट्रेट लाइन बनेगी। ये है वाई इज इक्वल टू एक्स की लाइन। अब इससे हमने जो है रिफ्लेक्शन इसका फाइंड कर लेना। अगर ये रिफ्लेक्शन हम फाइंड कर लें, उसके बाद हमारे पास जो है वो यानी कि रिफ्लेक्टेड जो ग्राफ बनेगा वो होगा इनवर्स फंक्शन का ग्राफ। ठीक है, तो इसका रिफ्लेक्शन हम देखते हैं किस तरह से आएगा। डिफरेंट कलर से हम ट्राई करते हैं। ये इसका रिफ्लेक्शन तकरीबन इस तरह से बनेगा। ठीक है, तो मतलब कि इस तरह से आएगा ये। बल्कि मैं इसको थोड़ा सा बेहतर करने की कोशिश करता हूँ। यहां से इस तरह से हम इसको ड्रॉ कर सकते हैं। ये इसका रिफ्लेक्शन बनता है। ठीक है, तो वाई एक्सिस को अगर मैं यहां से बढ़ा लूं तो हमें बेहतर तरीके से नजर आएगा ये वाई एक्सिस, ये है हमारे पास। ठीक है, अब ये आप देखें जो ब्लू कलर की लाइन, ब्लू कलर का जो ग्राफ है वो है रिफ्लेक्शन इसका। ठीक है, वो है साइन कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ। ठीक है, तो यानी कि ये हमारे पास है कॉस इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ, वाई इज इक्वल टू कॉस इनवर्स ऑफ एक्स। अच्छा, एक और चीज हमने यहां पर नोट करनी है कि जो
सिंपल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का ग्राफ होता है वो होता है एक्स एक्सिस के अलोंग, ठीक है, यानी कि एंगल्स हम एक्स एक्सिस पे लेते हैं और वाई एक्सिस पे हम उसकी वैल्यूज, फंक्शन की वैल्यूज लेते हैं। लेकिन जब हम इनवर्स ले लेते हैं फंक्शन का, तब हमारा जो ग्राफ बन रहा होता है वो वाई एक्सिस के अलोंग बन जाता है। जिस तरह से अब आप ये देखें, ये वाई एक्सिस के अलोंग इस तरह से चलेगा, ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस पे एंगल आ जाते हैं और एक्स एक्सिस के ऊपर फंक्शन की वैल्यू आ जाती है माइनस वन से वन। ये अगर ये वन होना चाहिए, ये वन होगा और तकरीबन यहाँ पर आके माइनस वन होगा, ठीक है, अगर मैं एक्स एक्स इसको वाई एक्सिस कहूँ तो। अच्छा, ये हमारा एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। इसके लिहाज से आप इसको देख लें कि हमने रिस्ट्रिक्शन क्या किया, जीरो से पाए तक हमने लिया, ठीक है, डोमेन को, एंगल की डोमेन को। तो उसके बाद हमने उसका रिफ्लेक्शन किस तरह से ड्रा किया कि हमने वाई इज इक्वल टू एक्स की जो है लाइन ग्राफ ड्रा किया। उसके बाद उसके अक्रॉस हमने जो हमारा जीरो से पाए तक एक्स कॉज एक्स का जो ग्राफ था उसका हमने रिफ्लेक्शन ले लिया, तो हमारे पास कॉज इनवर्स ऑफ एक्स का ग्राफ हमारे पास रिजल्ट में आ गया, ठीक है। तो इस तरह से ये कॉज का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हम नेक्स्ट फंक्शन यानी कि टेंजेंट पे चलते हैं, टेंजेंट फंक्शन का भी इनवर्स फाइंड करके देखते हैं। उससे पहले टेंजेंट का हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे, और टेंजेंट का ग्राफ आपको पहले से आता है, आप 11 चैप्टर में ड्रॉ कर चुके हैं, इसलिए मैं डायरेक्टली उसका ग्राफ ही ड्रॉ करूंगा। इस तरह से ये वाई एक्सिस और ये है एक्स एक्सिस, इसको भी थोड़ा सीधा कर लेते हैं। ये एक्स एक्सिस और ये वाई एक्सिस, ठीक है। अब हमने इसका जो है इसके ऊपर हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट का ग्राफ। चलिए ड्रॉ करते हैं। अगर ये पाई बाय टू है तो ये माइनस पाई बाय टू है, ठीक है, यानी कि ये पाई बाय टू है और ये माइनस पाई बाय टू है। तो इसके भी हम जो है लाइंस ड्रॉ कर लेते हैं स्ट्रेट इस तरह से, क्योंकि इस पाई बाय टू और माइनस पाई बाय टू पे वो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो इसलिए मैं थोड़ा सा बेहतर ग्राफ करने के लिए ये लाइंस तो ड्रॉ कर लेते हैं वर्टिकल इस तरह से, थोड़ा सा इसको जो है पाई बाय टू के ऊपर कर लेते हैं और इसको भी एक्जैक्टली पाई बाय टू के ऊपर मैं कर लेता हूँ ये। अब हमने ड्रॉ करना है टेंजेंट का ग्राफ। तो टेंजेंट का ग्राफ किस तरह से आएगा, इस पे इन्फिनिटी पे जा रहा होता है, इस पे नेगेटिव इन्फिनिटी पे जा रहा होता है माइनस पाई बाय टू पे, और जीरो पे ये जीरो होता है, ठीक है। तो यानी कि इस तरह से ये ग्राफ बनेगा, क्योंकि ये पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ और ये नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ। तो ये हमारे पास ग्राफ बना। और इसके अलावा माइनस पाई बाय टू के रेंज के अलावा हम देखें तो इस तरफ से ये भी पॉजिटिव इन्फिनिटी की तरफ आ रहा होता है, ठीक है, और यहाँ से नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है। इसको मैं डिलीट करके ऊपर लिख देता हूँ और यहाँ से ग्राफ जो है नेगेटिव इन्फिनिटी की तरफ जा रहा होता है, ठीक है। तो ये हमारे पास जो है टेंजेंट फंक्शन का y इज इक्वल टू टेंजेंट x, ये हमने ग्राफ ड्रॉ कर लिया
और इसकी डोमेन हमने जो ली है वो है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी, ठीक है। तो ये इसकी ब्रैकेट्स में ओपन कर दूं, ये है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। अच्छा, अब हमने जो है देखना है इसका इन्वर्स। तो इन्वर्स के लिए सबसे पहले तो हम चलो मैं लिख देता हूँ, वाई इज इक्वल टू, हमने देखना है वाई इज इक्वल टू टेंजेंट इन्वर्स ऑफ एक्स को, यानी कि एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट वाई को, ठीक है। तो इसके लिए हमने देखना है कि ये फंक्शन जो है वो वन टू वन फंक्शन है या नहीं है। तो चेक कर लेते हैं, स्ट्रेट लाइन ये मैंने ड्रॉ की, ठीक है। इसको मैं बिल्कुल अगर स्ट्रेट भी करूँ तो भी चेक कर लेते हैं, ये स्ट्रेट लाइन, ठीक है। अब आप देखें ये ग्राफ हमारा, चलें बाकी मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ, ये लाइन जो है ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, ठीक है। अब आप देखें कि दो जगह पे कट कर रहा है ग्राफ, ठीक है। ये वाला ग्राफ यहाँ पर कट हो रहा है, यहाँ पर कट हो रहा है, तो इंटरसेक्ट यानी कि कर रहा है, तो मतलब कि ये वन टू वन फंक्शन यहाँ पर नहीं है। अब नीचे भी चेक कर लेते हैं, ये अब भी दो जगह कट कर रहा है, मतलब कि ये वन टू वन फंक्शन नहीं है, ठीक है। तो अब हम ऐसा करते हैं कि इसकी भी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। डोमेन को कैसे रिस्ट्रिक्ट करें कि हमारे पास जो है ये वन टू वन फंक्शन बन जाए। आप देखें माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक ये इस तरफ ही जा रहा है, कोई भी वैल्यू इस तरह से रिपीट नहीं हो रही, ठीक है, या नेगेटिव है या पॉजिटिव है। तो हम माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक इसकी जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं डोमेन पे। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू तक। जब हम ये रिस्ट्रिक्शन लगा देंगे तो ये मैं निकाल देता हूँ, जो माइनस पाई टू से पाई टू के बाहर है, रेंज से बाहर है, ठीक है, ये भी डिलीट कर देते हैं। तो ये हमारे पास माइनस पाई टू से पाई टू तक आ चुका है, ठीक है, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। आप ये है y इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ x, और इसकी डोमेन क्या है, जीरो माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू, और ये बन चुका है वन टू वन फंक्शन, वन टू वन फंक्शन, ठीक है। तो अब हम इसका इन्वर्स फाइंड कर सकते हैं। इन्वर्स फाइंड करने के लिए जो हमने देखा था कि हमें y इज इक्वल टू x लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है, तो वो लाइन हम पहले ड्रॉ करते हैं। y इज इक्वल टू x इस तरह से आएगी, लेट सपोज ये अगर y इज इक्वल टू x की लाइन है तो इसके अक्रॉस जो है हम ले लेते हैं इसका रिफ्लेक्शन, ठीक है। तो वो डिफरेंट कलर से हम लेते हैं, फिर हमारे पास इसका इन्वर्स फंक्शन आ जाएगा, ठीक है। तो यहां से अगर ये इस तरफ को जा रहा है तो इसी तरह से ये इस तरफ को आएगा, ठीक है। थोड़ा सा इसको मैं छोटा कर दूं, तो ये इसी तरह से इस तरफ को आएगा, ये और फिर इस तरह से ये जीरो पे आएगा, फिर ये इसी तरह से, यानी कि अब देखें ये वाई के क्रॉस हो चुका है, ठीक है। ये हमारे पास ब्लू कलर में जो आपको ग्राफ नजर आ रहा है वो है इन्वर्स फंक्शन का। तो बाकी मैं थोड़ा सा इसका जो है हेड ठीक कर दूं,
मतलब कि इस तरह से ही बनता है, ठीक है। तो हमारे पास आ चुका है ये ग्राफ y इज इक्वल टू टेंजेंट इनवर्स ऑफ x का ग्राफ, और इसकी हमने डोमेन क्या ली है, पाई बाय टू से माइनस पाई बाय टू से पाई बाय टू के दरम्यान, ठीक है। तो ये हमने देखा इस लेक्चर में कि टेंजेंट का क्या है, इनवर्स फंक्शन किस तरह से हम ड्रॉ कर सकते हैं ग्राफिकली हमने देखा, ठीक है। पहले टेंजेंट का ग्राफ देखा, सबसे पहले तो हमने कॉस एक्स का ग्राफ ड्रॉ किया, फिर हमने वाई इज इक्वल टू एक्स ड्रॉ करके उसका रिफ्लेक्शन लिया, तो हमारे पास इनवर्स का ग्राफ आ गया, ठीक है। इसी तरह से हमने टेंजेंट का पहले ग्राफ ड्रॉ किया जो आपके आपको पर्पल कलर में नजर आ रहा है, ठीक है। तो फिर हमने उसको चेक किया कि ये वन टू वन फंक्शन है या नहीं है, अब उसकी डोमेन को रिस्ट्रिक्ट किया, ठीक है, वन टू वन फंक्शन उसे बनाया, फिर हमने उसका रिफ्लेक्शन ले लिया वाई इक्वल एक्स के क्रॉस, और हमारे पास इनवर्स का फंक्शन आ गया, यानी कि वाई इक्वल टेंजेंट इनवर्स एक्स, या फिर आप इसे कह सकते हैं वो एक्स इज इक्वल टू टेंजेंट ऑफ वाई, ठीक है। और यहाँ पर इस लेक्चर को ख़त्म करते हैं, अभी यहाँ पर हमने तीन फंक्शन देख लिए हैं, अब नेक्स्ट में हम बाकी फंक्शंस देख लेंगे और साथ में इसको देख भी लेंगे कि हम फाइंड किस तरह से करते हैं। ये तो अभी तक हमने ग्राफिकली देखा है, हम फाइंड किस तरह से करते हैं वो भी हम देख लेंगे।